नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है 8 जुलाई 2023, शनिवार का दिन है और यहां पर सप्ताह का शेयर फिर से वीकली स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चार्ट एनालिसिस के साथ में आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग को कैसे पकड़ना है, किस तरह से आप वीकली चार्ट को देख सकते हैं, मंथली चार्ट को देख सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पर आने वाले सप्ताह में आपको मूवमेंट बन सकता है। जैसा कि मैं सीरीज लेकर आता हूँ सप्ताह का शेयर में, तो उसी में ये आगे फिर से आपको मैं शेयर दो बताने वाला हूँ। पिछले बार भी जो स्टॉक्स दिए थे काफी जबरदस्त मूवमेंट किया था, आप बिल्कुल उसमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन बनाइए। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, लेकिन अगर लेवल आता है और आपको कॉन्फिडेंट है अपने चार्ट एनालिसिस पे, तो आप जरूर पोजीशन बनाइए, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट का लास्ट डेट है आज 8 जुलाई 2023, तो जिनको कोर्स ज्वाइन करना वो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला स्टॉक ना बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है और मेडिकल सेक्टर से, मैंने पहले भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया है, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। मैंने पहले भी इस स्टॉक को कई दफा मैंने आप लोगों को इस स्टॉक्स के साथ बताया था कि इस स्टॉक्स में आने वाले समय में आपको काफी अच्छा मूवमेंट बनेगा। अब आते हैं इंद्रप्रस्थ मेडिकल में, और ये आपको मैं बता दूं ऐसे जानकारी के लिए कि ये अपोलो हॉस्पिटल का सब्सिडियरी है, वेंचर है, आप जो भी कह सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर में ये कंपनी चलती है, ये हॉस्पिटल चलता है, तो एक तो ब्रांड है इसके साथ बड़ा, पहले तो ये बात है। दूसरा ये चार्ट, मैं कई महीने से इसका चार्ट देख रहा था, क्योंकि हम लोग की बाइंग प्राइस बहुत नीचे का है, मैंने बहुत नीचे पे 45-50 के आसपास में रिकमेंड किया हुआ था अपने चैनल पे कई दफा, तो ये होल्डिंग में पहले से होगा उम्मीद है। जिनके पास नहीं है, क्या उनके लिए पोजीशन बनाने का समय है, तो वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्टॉक्स का आप पीछे के जितने दिन का चार्ट देखेंगे ना, जितना दिन का देखिएगा, आज तक स्टॉक्स ने वो हाई लगाया ही नहीं है जो हाई इसने रिसेंटली एक बार लगाया था 2021 के आसपास लगाया था, और स्टॉक अभी उसी हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 2021 में जो हाई लगाया था उससे पहले इसने कभी कोई हाई ही नहीं लगाया था, इतना बड़ा प्राइस इसने नहीं बनाया था, और उस हाई को हम लोग मार्क कर लेते हैं। क्या करेंगे, मार्क कर लिए इस तरह से, देखिए यहाँ मार्क हो गया हमारा। अब चलिए मैं यहाँ पेन टूल ओपन कर लिया, अब ये चूंकि मार्क हो चुका है तो आपको ये ध्यान देना है कि उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस आता है 103 रुपए के आसपास में, कितना आता है 103। अब अभी जो रिसेंटली फ्राइडे की क्लोजिंग आप देख रहे हैं वो 100 रुपए के आसपास में, आप यहाँ पे देखिए 100 रुपीज के आसपास में आपको क्लोजिंग होता हुआ दिख रहा होगा। तो और 5% का सर्किट भी है, कितना है 5% का सर्किट भी है। अब आप ये समझते कि हो सकता है मंडे को ये सर्किट पे खुले तब तो ट्रेड एंट्री नहीं बनेगा, लेकिन आपको एंट्री अगर मौका मिलता है, सर्किट खुलता है, तो एक पोजीशन बन सकता है। लेकिन रीजन और भी आपको समझना है, इस सिर्फ इसलिए नहीं कि इसने सर्किट लगाया इसलिए, क्योंकि अगर आप इसका मंथली से ईयरली, अभी डेली चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट देखिए। वीकली चार्ट क्या है कि वीकली चार्ट में जितना प्रीवियस वीक था, जितना भी प्रीवियस सारे वीक्स को, सारे सप्ताह को, सब दिन को ब्रेक कर दिया, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न डेली के वीकली के चार्ट पे भी आप देखेंगे तो उस राउंडिंग बॉटम पैटर्न को भी ये ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो डेली पे पॉजिटिव है, वीकली पे पॉजिटिव है। अब इसको आते हैं हम मंथली पे शिफ्ट करते हैं, और इसको हम कर दिए वन मंथ के चार्ट पे शिफ्ट। वन मंथ पे देखते तो अब हम ये क्या देख रहे हैं वन मंथ में कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग है, जो फ्राइडे का हाई लगाया था 100.35 रुपए का, उससे बड़ा हाई बस इसने 2021 में ही लगाया है, जिसका प्राइस आता है, आप ध्यान से देखिए, इसका प्राइस आता है 102.50 रुपए। तब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका हाई है 102.50 रुपए और क्लोजिंग इसने 100.35 रुपए पे किया हुआ, तो मात्र 2.15 रुपए का डिफरेंस है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने के लिए। ऑल टाइम हाई, देखिए समझिएगा चार्ट, ऑल टाइम हाई को सिर्फ 2.15 रुपए का ही डिफरेंस है, जिसको अगर ये तोड़ देता है तो सारे जीवन का इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसको कहे जाएगा मल्टी ईयर ब्रेकआउट, यानी कि इस हर साल का ब्रेकआउट हो गया। तो डेली पे देख लीजिए, वीकली पे देख लीजिए, मंथली पे देख लीजिए, साथ ही ईयरली चार्ट पे भी देखते हैं तो आपको काफी ज्यादा स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा, तो नजर आएगा। तो चलिए जरा हम लोग इसका
ईयरली चार्ट लगाते हैं। मैं दो स्टॉक्स बताऊंगा आपको जो सप्ताह का शेयर जो मैं लेकर आता हूँ। अब ये देखिए ईयरली चार्ट लग गया 12 मंथ का। 12 मंथ में आप देख रहे हैं कभी भी कोई प्राइस इसके पीछे नहीं बढ़ा, सबसे बड़ा प्राइस इसी बार इसने लगाया और 2021 का 102 रुपए के आसपास, तो उसी के आसपास ये पहुंच रहा है। तो क्या एंट्री बनाने का सही टाइम है? तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है, देखिए जो वीडियो पूरा देखेगा वो समझेगा, जो वीडियो पूरा नहीं देखेगा वो ठगेगा, सीधी सी बात है। तो आप देखिए यहाँ पे बाय करना है आपको 103 रुपए के ऊपर। रीजन तो समझ में आ गया होगा 103 के ऊपर क्यों बाय करना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्राइस ही नहीं है, ऑल टाइम हाई है, इसलिए हमें इसी के ऊपर निकलने के बाद बाइंग करना है। और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग कर जाता है तो हम उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिलीवरी ऑन क्लोजिंग बेसिस, इस बात को समझना है, डिलीवरी ऑन क्लोजिंग बेसिस, डीएलसी सीधे लिखिए। तो क्लोजिंग बेसिस पे आपको डिलीवरी लेके जाना है, बाय करना है 103 के ऊपर। जो स्टॉप लॉस होगा, इसमें दो तरह की स्टॉप लॉस होंगी, एक होगा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो नजदीक में ट्रेडर है प्रॉफिट लेके भाग जाना चाहते हैं, और जो थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसके लिए मात्र 93 का एक स्टॉप लॉस लगेगा, 93 का, और जो थोड़े लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए वो 83 का स्टॉप लॉस लगेगा, जो कि इसका एक बेहतरीन सपोर्ट आता है। अब इस हिसाब से जो टारगेट बनेगा ऊपर के साइड में वो 113 से लेके 125 तक आप जान लिए, और अगर ऊपर लॉन्ग टर्म थोड़ा वेट करके चलते हैं तो ये आपको 150 से 175 तक के भी टारगेट दिखा सकता है, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये एक स्टॉक हो गया, आपको सारी चीज मैंने समझा दिया, और दूसरे स्टॉक्स की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन फिर से बता दूं, देखिए आपने अगर लेवल नोट नहीं किया तो जरूर लेवल नोट कर लीजिए, मैं आपके सामने पे यहाँ लेवल ले चुका हूँ, रख चुका हूँ, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा स्टॉक बता देता हूँ आपको, चलिए मैं आपको जल्दी से दूसरा स्टॉक्स बता दूँ। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट का लास्ट डेट है, वो भी आप मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। सेकेंड स्टॉक जो है उसके तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड स्टॉक है खूब जमेगा जमुना, देखिए यहाँ जमुना ऑटो, जमुना ऑटो जबरदस्त। अब इसके भी रीजन समझते हैं, जमुना ऑटो में ऐसा क्या है, 112.10 रुपए, मतलब देखिए दोनों ही स्टॉक छोटे प्राइस का लेकर आया हूं आपके सामने में, दो बहुत ही छोटे प्राइस का, तो 112.10 रुपए की क्लोजिंग है लास्ट फ्राइडे को जो हमारा मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है ओके। अब इसके बाद हमें इसका कुछ भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका वीकली चार्ट देखना है। आप देखिएगा, आप चाहे RSI फॉलो करें, चाहे MACD फॉलो करें, कुछ भी फॉलो करें, ये हर जगह पर आपको एक पॉजिटिव ब्रेकआउट में नजर आएगा। आप देखिए वीकली चार्ट किस तरह से एक सप्ताह, दो सप्ताह, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, सत्ताईस सप्ताह मतलब 6 मंथ हो गया, 27 × 2 = 54 होता है, 52 सप्ताह का एक साल होता है, तो इसका मतलब क्या है कि 6 मंथ का ये ब्रेकआउट कर रहा है, 6 मंथ का ब्रेकआउट कर रहा है, क्या ब्रेकआउट कर रहा है, वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, देखिए आपको लीक के समझेंगे तो ज्यादा बेहतर है, वीकली चार्ट पे एक जबरदस्त ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी जबरदस्त तरीके से आप नीचे पे ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। तो वीकली चार्ट में एक बक्से में ट्रेड कर रहा था, उस पिंजड़े को तोड़ के ये पंछी बाहर आ गया। अब हम वीकली चार्ट के जगह पे इसको हटा देते हैं, अब हम इस पे लगाएंगे मंथली का चार्ट, और ये लगा दिया 1 मंथ का चार्ट, 1 मंथ का चार्ट पे देखेंगे तो देखिए क्लियर कट ब्रेकआउट है, और एक ट्रेंड लाइन जो ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा था उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया। कुछ लोग, अगर आप लोग फॉलो करते हैं RSI MACD, तो आप कुछ भी लगा लीजिए, जैसे RSI लगा हुआ है, देखिए क्या जबरदस्त 60 के अबव चल रहा है, तो पॉजिटिव है। MACD लगाना है तो आप MACD लगा लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लगाना ही चाहिए, जो लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं जरूर देखिए। तो MACD पे आप रिसेंटली देखिए क्रॉसओवर हो रहा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रहा है, आप समझ रहे, तो जबरदस्त तरीके से मूवमेंट आ रहा है, इस बात को आपको समझना है। देखिए तो इस इंडिकेटर हो जाए, चाहे प्राइस हो जाए, चाहे पैटर्न हो जाए, तीनों ही एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से इस स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट बन सकता है। तो जमुना ऑटो अब सेकेंड स्टॉक है वीकली शेयर में, सप्ताह के शेयर में आपको खरीदना होगा 115 रुपए के ऊपर, बाय 115 के ऊपर खरीदना है, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 107 रुपए का लेंगे, थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज से आप 105 रुपए का भी लेके चल सकते हैं, जमुना ऑटो में 105 रुपए का, क्लियर है। तो 107 से 105 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो टारगेट होगा जमुना ऑटो में वो 123, दूसरा 131 से लेके और ऊपर के टारगेट 143 तक के टारगेट आपको आने वाले समय में जमुना ऑटो में मिल सकता है। तो ये दो स्टॉक्स मैंने सप्ताह के शेयर में आपके साथ बताया है, वीकली स्टॉक्स में, पसंद आया हो चार्ट के हिसाब से समझा दिया, रीजन समझा दिया, लेवल बता दिया, और हर एनालिसिस करके आपको दिखा दिया, तो फीडबैक जरूर दीजिए, और अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।